हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज की वीडियो रहने वाली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी के ऊपर। गाइज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मेरी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस हैं, बट जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखी है ना, उनके लिए ये वीडियो जो है एक वरदान रहने वाली है, और जिन्होंने अभी तक उनको नहीं देखा उनके लिए तो ये वीडियो वैसे ही बेनिफिशियल रहेगी। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ, जैसे कि अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हो तो यूनिट 1 के आपको टोटल 3 चैप्टर्स करने हैं थ्योरी के। तो तीनों चैप्टर्स में से मेरी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है। जो भी टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि चैप्टर 1 के आप टॉपिक्स देख सकते हैं, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस, मतलब सारा आपका जो सिलेबस है ना रिवाइज हो जाएगा अगर आपने मेरी वीडियो पुरानी देख रखी है। अगर नहीं देखी तो फिर तो आपका ज़ीरो से भी मैं स्टार्ट करवाऊँगी। तो क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। 2021 में एक स्टेटमेंट आई थी, जिसको स्टेटमेंट में घुमा के उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते, इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी आपको दिखाई है कि ऐसा क्वेश्चन भी आया था। बाकी यही टॉपिक्स हैं एग्जाम में पहले चैप्टर से, नेचर या स्कोप या इंपॉर्टेंस या डिफरेंस। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं कि पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, एनालिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि हम हमारे मैनेजर्स की हेल्प कर पाएँ और वो हमारी कंपनी के लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है, किसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एक्सटर्नल पार्टीज़ को, यानी कि जो कंपनी के बाहर की पार्टीज़ हैं लाइक इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं करती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है ऑन प्रोवाइडिंग इंटरनल मैनेजर्स, कि इंटरनल मैनेजर को उसने डाटा प्रोवाइड करना है, जिस डाटा को देख के वो आगे प्लानिंग कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ और अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो एक कॉम्बिनेशन होता है बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा का। आई होप आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर है। अब फटाफट जंप वाले पॉइंट हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, कि ये इंटरनल फैक्टर पर फोकस करती है, इंटरनल लोगों के लिए बनाई जाती है। सेकंड, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, इसके बेस पे हम अपने प्लान्स वगैरह बनाते हैं, फोकास्ट करते हैं, बजट प्लान करते हैं। थर्ड, क्योंकि ये इंटरनल होती है, कंपनी के बाहरी बंदों के लिए नहीं होती, तो ये फ्लेक्सिबल होती है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें चेंजेस कर सकती हैं। फोर्थ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करनी है, कस्टमर सेटिस्फाई करना है, परफॉर्मेंस देखनी, एवरीथिंग शुड बी ओके। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा दोनों देखेगी। फिफ्थ, डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। सिक्स्थ, एफिशिएंसी ओरिएंटेड होती है, यानी कि बिजनेसेस को हेल्प करती है कि आप मोर एफिशिएंटली अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हो, और इम्प्रूवमेंट करो अपने वर्क में और अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करो। अभी हमने क्या देखा कि क्या नेचर है। सेकेंड वन इज स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या स्कोप हैं। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ वेरी ब्रॉड। ये कवर करता है बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को, बिजनेस मैनेजमेंट को, और कुछ की एरियाज़ को कवर करता है। सबसे पहला नेचर है, इसका स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें इन्वॉल्व होता है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सबसे पहला हम अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट को अकाउंट करने में मदद करता है कि कहाँ पे हमें कॉस्ट बचानी चाहिए, कहाँ पे हमें हमारे खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज़ इज फर्स्ट स्कोप। सेकंड, बजटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बजट का प्लान क्रिएट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पीरियड के लिए, जिससे आप अपने रिसोर्सेज को ईजिली प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। थर्ड, फाइनेंशियल एनालिसिस में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग टूल्स में मदद करता है, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में मदद करता है और फ्यूचर को फोरकास्ट करने में मदद करता है। रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, नेचर और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, हमें डिसीजन, देखिए हेडिंग्स वही घूमेंगी, बस आपको टॉपिक देखना है पेपर में क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 4 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंस, नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव। तो कुछ भी पूछ सकते हैं चारों में से, तो आपकी हेडिंग्स तो वही घूमेंगी। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, बेटर प्लानिंग में मदद करता है, इम्प्रूव कंट्रोल करने में मदद करता है, कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। तो गाइज़ ये वीडियो मैं क्यों ऐसे बना रही हूँ जंपिंग बेस पे, क्योंकि आपने करने तो हेडिंग्स ही है लर्न, ठीक है। जितना भी डिटेल में समझाया जाए, आपको पेपर में हेडिंग के बेस पर ही पॉइंट क्रिएट करना है, तो इतना बोल के समझाने का मतलब नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमारी मदद करता है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है, रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट करने में मदद करता है, रिस्क को मिटिगेशन यानी कि रिस्क को कम करने में कि कैसे हम रिस्क को अवॉइड या रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है हमने ऊपर भी देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे पूरे रिकॉर्ड्स बनाता है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस जो है ना टेबलर फॉर्म में नहीं करवा रही क्योंकि टेबल फॉर्म में एक वीडियो में हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे पर्पस देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इंटरनल मैनेजमेंट को, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर लाइक इन्वेस्टर क्रेडिटर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल मैनेजर, डिपार्टमेंट के हेड या अदर की डिसीजन मेकर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन यूज़ करता है? एक्सटर्नल पार्टी जैसे कि इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट की एजेंसीज, ये लोग। रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि आप इसको जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आप इसको चाहे डेली बना लो चाहे वीकली, क्योंकि इंटरनल है कंपनी के अंदर ही रहनी है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेटल कर सकते हो कि मुझे डेली बनानी है, वीकली, मंथली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक रिपोर्ट का टाइम होता है, फाइनेंशियल पीरियड होता है जिसको आपको एंड ऑफ द क्वार्टर या एनुअली प्रिपेयर करना होता है। टाइम ओरिएंटेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फोकस करती है, फोकस करती है, बजट्स वगैरह को प्रेडिक्शन करती है फ्यूचर के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट ओरिएंटेड होती है, मैनेजमेंट फ्यूचर को देखती है, फाइनेंशियल पास्ट के डाटा को देख के हमारा रिकॉर्ड बनाती है, ठीक है। रेगुलेशंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के बाहर है तो इसका एक स्पेसिफाइड रूल है जो कि गैप इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आपको होगा, 6th सेम में है शायद, वो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा IFRS। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं इन द गैप प्रिंसिपल्स में बताएंगे आपको 6th सेम में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको आएगा गैप या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको ये इस सब्जेक्ट में है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो उसका एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड होता है कि इसी के थ्रू आपको बनाना है। डाटा टाइप, मैनेजमेंट में जो डाटा का टाइप होता है फाइनेंशियल डाटा होता है, नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल डाटा होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपके पास हेडिंग्स होंगी तो आप बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो। डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है, प्लानिंग और फ्यूचर फोरकास्टिंग में मदद करता है, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में मदद करता है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने में मदद करता है, रिस्क को मैनेज करता है, स्ट्रेटेजीज को प्लान करता है। 1st चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर के यही क्वेश्चन टॉपिक्स बनते हैं। सो अटेंशन गाइस, जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी कुछ वीडियोस हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहती हैं। तो आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, बहुत ईजी है। 59 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक बार 59 पे करना, पूरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, नोट्स आपके हाथों में होंगे। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेते हैं आपको मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझे वहाँ पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि हमने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको पूरी वीडियोस, नोट्स सबका एक्सेस मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर होगी। चैप्टर 2 है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, नेचर बताओ, लिमिटेशंस बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और पोजीशन ऑफ बिजनेस का, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस है चाहे ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू ऑफ अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हेल्थ की कंपनी की स्पेशल परफॉर्मेंस क्या है, क्या उसकी हेल्थ है। तो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है ताकि आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्लियर पिक्चर बता पाओ आपके स्टेक होल्डर्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऊपर भी देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो की कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने अपने बाहर शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स को अपनी रिपोर्ट दिखानी है, उसमें हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हम अपनी बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं। तो वो हमने हमारे की कॉम्पोनेंट्स है कि हमारे हैं वो हमने बता देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन लेने में इन्वेस्टर्स को मदद करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट बताता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, शो करता है, अंडरस्टैंड करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैश फ्लो को एवेल्युएट करता है और कंप्लायंस करता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, और फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन की, जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को। नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें सारा हिस्टोरिकल डाटा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल डाटा पे बेस होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वांटिटेटिव के बेस पे होता है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई, उसके बेस पे डाटा, कितनी इनकम हुई, कितने खर्चे हुए। स्टैंडर्डाइज होता है ये अकॉर्डिंग टू जो भी इसके रूल्स स्टैंडर्ड हैं, लाइक इसके फॉर्मेट है स्पेसिफिक, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होता है, समराइज फॉर्म में होता है, स्टैटिक नेचर होता है, ठीक है, और इंटर रिलेटेड होता है। आप इजिली इसको कंपेयर कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है कि ये हिस्टोरिकल नेचर है, तो आपको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता सकता। नो क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेता है, क्वालिटी को ये देखता ही नहीं है, जो कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। एस्टिमेट करता है और सिर्फ जजमेंट्स देखता है। इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन और प्रोविजन। इन्फ्लुएंस बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज के थ्रू ये इन्फ्लुएंस होता है। लिमिटेशन है, इग्नोर करता है जो भी महंगाई घटाई आती है, इन्फ्लेशन आता है, उसको इग्नोर कर देता है। पोटेंशियल बायसनेस होती है। लिमिटेड स्कोप होता है। तो अब आप इसकी एलैबोरेट एग्जांपल्स बता सकते हो हिस्टोरिकल नेचर पे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी और क्वेश्चन को यहीं वाइंड अप कर देंगे। चैप्टर 2 भी यहीं पे आपका ख़त्म। थर्ड चैप्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऊपर क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे आपने ऑडिट करना है, एनालिसिस करना है। ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया, सेकंड क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है वो बताया, थर्ड चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं, वो बताना है, उसके वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अंडरस्टैंड करते हैं उसके फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और उसके फ्यूचर पोटेंशियल्स को। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें इंक्लूड होती हैं हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो। इनको हमें एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर एग्जांपल दी हुई है, इन्वेस्टर इसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे, असेस कर पाएंगे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को, कंपेयर कर पाएंगे उनकी परफॉर्मेंस को, प्लान कर पाएंगे हमारे फ्यूचर के बारे में, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। अब कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए? फर्स्ट टेक्निक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस टेक्निक में इन्वॉल्व होती हैं कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिफरेंट पीरियड, जो भी डिफरेंट पीरियड्स में चेंजेस आए हैं। यानी कि अगर 2021 में आपका रेवेन्यू 50 लाख है तो 2022 में वो कितना हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करती है कि थोड़ी टाइम पीरियड के बाद कितना चेंज आया और ये कैसे काम करती है, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन दिस मेथड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर शो एज अ परसेंटेज, कि कितने परसेंट बढ़ा। यानी कि एग्जांपल देखो, टोटल सेल है 1 करोड़ की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुए 60 लाख की, तो कितने परसेंट सेल हुई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बताएगी कि कितनी परसेंट वो काम हुआ, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, इसमें हम ट्रेंड को एनालिस करते हैं, पैटर्न देखते हैं फाइनेंशियल डाटा की ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन है, मतलब आगे अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सीजनल वर्क है या मतलब थोड़े मंदी के दिन आएंगे, तो ट्रेंड देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट वाज 5 लाख इन 2020, 6 लाख इन 2021, 7 लाख इन 2022। तो ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पे? देयर इज़ कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड। हम पिछले 3 सालों की स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि हमारा कंटिन्यूसली प्रॉफिट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, तो देयर इज़ अ अपवर्ड ट्रेंड। रेशियो एनालिस करेंगे। रेशियो आर द सिंपल कैलकुलेशन जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल आइटम्स। तो इसमें टाइप्स ऑफ रेशियोज़ होती हैं। एक होती है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप चेक कर सकते हो अगर कंपनी शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करती है, करंट रेशियो निकाल सकते हो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है जो एबिलिटी कि कितना प्रॉफिट जनरेट करती है उसके बेस पे होती है। सॉल्वेंसी रेशियो होती है लॉन्ग टर्म के लिए। एफिशिएंसी रेशियो होती है कि कितनी इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हो, सेम पहले जैसे ही है। जो पहला पॉइंट किया था कि कितने परसेंट जैसे चेंजेस हुए तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई हमारी ग्रोथ, 80% से 80 लाख से 100 लाख हुई एग्जांपल देखो तो इंक्रीज़ कितनी हुई 25%। तो ये एनालिसिस करती है कि टाइम पीरियड के चेंज होने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हम परसेंटेज में देखेंगे कितने परसेंट चेंज आए, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस में देखेंगे कि वर्टिकल एनालिसिस शो करेगा ईच आइटम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज। गाइज अगर आपको इसके जो टूल्स हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इसकी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, बहुत डिटेल में मैं आपको टूल्स वहाँ पे सॉल्व मैंने समझाए हुए हैं। आई थिंक उसके नोट्स भी मैंने ग्रुप में कल शेयर किए हैं, तो अगर आपने वो टूल्स बहुत ज़्यादा डिटेल वाले करने हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज़ कैश फ्लो एनालिसिस, अगला ब्रेक इवन हमने ऊपर भी किया, तो वो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं उसमें से तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से आ जाए क्योंकि इसमें लेंथ थोड़ी कम है। एक एक देखो टूल कितना छोटा छोटा है, अगर एक एक टूल आपको एक एक पेज का चाहिए तो आप लोग उस वीडियो को प्रेफर करें। अब व्हाई इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की मदद करेगा, मैनेजमेंट को सपोर्ट करेगा, एड्स क्रेडिटर्स को बोली लगाने में मदद करेगा, रीपे करने में ट्रैक ग्रोथ को ट्रैक करेगा, इंप्रूव करेगा आपकी एफिशिएंसी। अगेन लिमिटेशन हिस्टोरिकल डाटा पे डिपेंड है। ऊपर वाले क्वेश्चन वाली पॉइंट्स है। कंक्लूजन, एक दो क्वेश्चंस हो रहे हैं जो थोड़े थोड़े आ रखे हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कि कंपेयर करना, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, दो सालों से या उससे ज़्यादा के स्टेटमेंट्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हो दैट इज़ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने का, परफॉर्मेंस पर्पस क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिसीजन लेने की में मदद करेगा। फीचर्स क्या है कि हमें साइड बाय साइड डाटा पता चलता रहता है, हम कंपेयर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं चेंजेस को। टाइप्स क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट होती है कंपैरेटिव P&L होता है और कंपैरेटिव दो ही चीज़ें होती हैं, कंपैरेटिव है ना, चैप्टर 3 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मेट बता दोगे यहाँ पे, आप कंपैरेटिव का सॉल्व करके बता दोगे कंपैरेटिव में कैसे सॉल्व होता है। 2021 का ये रिकॉर्ड है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसिस, 2022 का ये है, इतना चेंज हुआ और इतने परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। एडवांटेज बता दोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है ट्रेंड है। अगेन एडवांटेज डिसएडवांटेज वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कॉमन साइज स्टेटमेंट, सिर्फ ऐसे ही करके आ गया था। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे ईच आइटम एक्सप्रेस की जाती है ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज अमाउंट, ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसकी पोजीशन को देखते हैं, शो करते हैं रिलेटिव साइज क्या है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था कि थ्योरी लेके आओ, थ्योरी लेके आओ, कुछ भी नहीं है इसकी थ्योरी में। 1, 2, 3 चैप्टर की थ्योरी मतलब इतनी इजी है। मेरे चैप्टर पे ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है, ऑलरेडी यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 2 की थ्योरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने कवर करवा रखे हैं। बट आप लेटेस्ट वीडियोस की डिमांड करते हो, फिर नोट्स आएंगे, फिर आप उनको लीक करेंगे। पुराने नोट्स तो ऑलरेडी लीक है सारे चैनल्स पर, है ना, तो नए भी आप लीक करने वाले हो। तो थोड़ा रिलैक्स रहा करें, वीडियोस मतलब नोट्स आपके कवर कर देती हूँ मैं, क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। बस ये है, इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि यूनिट 1 की क्या थ्योरी है। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है। जो भी डाउट्स आप लोग मुझे बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।